हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे साई क्रिकेट फैंटेसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तो क्योंकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने का एक ही नतीजा है दोस्तों कि आपको जो फाइनल टीम है वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की कर दी जाएगी। तो दोस्तों, तो चलते हैं हमारे डेमो टीम की ओर, प्लेयर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साई क्रिकेट फैंटेसी चैनल आपको इस या टेलीग्राम पर सर्च मारने से भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपसे हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं एल एस एच वर्स हमें देखने को मिल जाए एल एस एच वर्स डी ई वी के प्लेयर पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच आपको 9 बजे स्टार्ट होते हैं, रात के 9 बजे स्टार्ट होते हैं, आपको दिख जाएगा। और बात की जाए तो आपको यहाँ पर 26 मई को स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। स्टेडियम की बात की जाए तो अर्लो वॉलेस क्रिकेट ग्राउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं हमारे मैच डिटेल्स की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, ये यहाँ पर स्पीच की बात की जाए दोस्तों, तो आपको 100 से 90 का एवरेज देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर चार बार विन किए, और सेकंड बैटिंग करने वाले यहाँ पर एक ही बार विन किए। तो दोस्तों, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादातर एडवांटेज मिलेगा, तो आप टॉस के हिसाब से हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। प्रेशर्स को यहाँ पर 41% विकेट्स मिले हैं, और यहाँ पर स्पिनर्स की बात की जाए तो उनको 59% विकेट्स मिले हैं। स्पिच रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, स्पिच रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा बॉलर्स के फेवर्स में, स्पिनर्स के थोड़े बहुत, और बैटिंग फेवर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत ज़्यादा हेल्थ है, लेकिन यहाँ पर बैटिंग्स को भी काफ़ी अच्छे रन्स देखने को भी मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टीम स्टेटस की बात की जाए दोस्तों, तो टीम स्टेटस को आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 5 मैच खेली है LSH, और 4 बार जीती है और 1 बार लॉस की है। तो दोनों के टीम प्लेयर देखा जाए तो दोस्तों, टीम स्टेटस की देखा जाए तो दोनों के सेम ही हैं। तो ये मोस्टली टीम स्टेटस के बारे में कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकता। तो हम चलते हैं हमारे, और टॉस की बात की जाए तो यहाँ पर DV और LSH दोनों भी सेम बार टॉस भी जीती है दोस्तों। तो देख सकते हैं आगे। चलिए दोस्तों, प्लेयर स्टेटस के ओर चलते हैं। तो प्लेयर स्टेटस में आपको ए ब्राउन देखने को मिल जाएंगे, उन्होंने 1 मैच खेला है, बैटिंग बॉलिंग दोनों भी कुछ ज़्यादा मौका मिला नहीं है, और एक ही मैच खेले हैं अभी तक। यहाँ पर डी मेलोरी की बात की जाए तो इन्होंने 19 रन, 41, 52 और 27, और लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे दोस्तों। तो ये हमारे लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, पिक ज़रूर कर लीजिएगा। सोलन ब्राउन की बात की जाए तो सोलन ब्राउन यहाँ हमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सोलन ब्राउन की बात की जाए तो उन्होंने 13, 4, 1, 0, 18। तो दोस्तों, उन्होंने की बात की जाए तो इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं, बट आपको ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, मोस्टली पिक आपको देखने को मिल जाएगा। डुगलन डुगलस की बात की जाए तो इन्होंने एक 11, 31, 21, 52 और 40, और विकेट्स की बात की जाए तो उन्होंने 2 विकेट लिए 1 मैच में, और लास्ट जो इन्होंने 4 विकेट लेके चुके हैं, 2, 0, 0, 2 और 0। वही बात करते हैं, यहाँ पर बात की जाए एल लचमच की, तो इन्होंने यहाँ पर 4 मैच खेले दोस्तों, और इनको बैटिंग बॉलिंग का कुछ ज़्यादा खास मौका मिला नहीं, तो 1 मैच में इनको 0 पर भी आउट हो गए, तो इनको ज़्यादा कुछ खास मौका मिला नहीं। वही बात करते हैं कैमिंस किंग्स की, तो इन्होंने 4 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग का कुछ खास मौका मिला नहीं। एस सोपर की बात की जाए तो इनको बैटिंग से तो कुछ मिला ही नहीं, बैटिंग से तो कुछ खिलाया नहीं, अभी तक खेला ही नहीं है। और बात की जाए तो इन्होंने लास्ट में 1 विकेट भी लिया है और 0 विकेट, तो आपको मोस्टली इनको ड्रॉप करना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, उसी के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बेलिन सप्टेन, तो आपको यहाँ पर बेलिन सप्टेन की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने अब तक 5 मैच खेले और 4, 3, 2, 4, 3, 5 और 6, और विकेट्स की बात की जाए तो इन्होंने विकेट भी मोस्टली विकेट लिए, तो आपके लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं, 9 विकेट अब तक ले चुके, तो इनको मोस्टली पिक ज़रूर कर लीजिएगा। वही बात की जाए जावेद हरी की, तो जावेद हरी आपको 3 मैच खेले और 3 मैच में लास्ट मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया है, तो आपको ब्लून सेप्टन को वाइस कैप्टन की चॉइस ज़रूर दे देनी चाहिए, तो एक मोस्टली पिक हमारे लिए बन सकते हैं। वही बात की जाए
ओ लुइस की, तो ओ लुइस की बात करते हैं दोस्तों, ओ लुइस आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। ओ लुइस की बात करते हैं ऐसे तो उन्होंने फर्स्ट मैच में कुछ भी खास मौका मिला नहीं था, 12 रन से दूसरे मैच में 7, 23 और 3 रन। और विकेट्स की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 4 विकेट ले चुके हैं, तो आपके लिए मोस्ट वीक बन सकते हैं, तो उनको ज़रूर पिक कर लीजिएगा। वही बात की जाए क्वीन सॉन्ग की, तो इन्होंने 4 मैच खेले हैं और विकेट्स की बात की जाए तो उन्होंने 3 विकेट लिए और 0-1, 0 और बैटिंग बॉलिंग खेले नहीं थे, खेलने को मिला ही नहीं था। वही बात करते हैं रोमियो बुड़ी की, तो उनको मोस्टली पिक जरूर कर लीजिएगा। रोमियो बुड़ी की बात की जाए तो उन्होंने कुछ खास मौका मिला नहीं, तो इनको ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा मैथ्यूज की बात की जाए तो इनको वो मैथ्यूज की बात की जाए तो उन्होंने बैटिंग से कुछ खास मौका किया नहीं, बैटिंग से कुछ खास किया नहीं दोस्तों, लेकिन हमें ये बॉलिंग से टफली करवा सकते हैं विन, क्योंकि इन्होंने देख सकते हैं दोस्तों लास्ट मैच में 3 3 विकेट निकाले और फर्स्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले, तो हमारे लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं, तो इनको जरूर पिक कर लीजिएगा। तो हमें ये चलिए दोस्तों डी वी के टीम प्लेयर पैटर्न के बारे में, डी ई वी के प्लेयर पैटर्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक्सेल सैमुअल्स की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने 4 रन किए, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, ड्रॉप करना चाहते तो ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर बात की जाए डेगन टूल्स की, तो उनको मोस्टली पिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके देखा दोस्तों फर्स्ट मैच में 0 पे आउट होते, लेकिन सेकंड मैच से इन्होंने स्टार्ट किया 27, 16, 5 और 10 विकेट्स की बात की जाए तो अब तक हमारे लिए 4 विकेट ले जा चुके हैं, तो आपके लिए वाइस कैप्टन कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें बॉलिंग सेक्शन से भी और बैटिंग सेक्शन से भी सेफली प्लेयर हमारे लिए लगे हैं, तो हमें सेफली जाना है तो दोस्तों इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। वही बात की जाए रोमन स्पीच की, तो इन्होंने 46, 0, 41, 39 और 1 रन यहाँ पर किया है, तो दोस्तों इनको बैटिंग सेक्शन से आप ट्राई कर सकते हो, ज़रूर पिक ज़रूर कर लीजिएगा। रोमेश प्रिस की तो आपको बात करना चाहते हो तो इनको ज़रूर पिक कर लीजिएगा। यहाँ पर शोमो हॉपर की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने 19, 21, 7, 18 और 63 रन्स बनाए अब तक, और बात की जाए तो इन्होंने 2 मैचों में मौका नहीं मिला, तीसरे मैच से इन्होंने 2 विकेट लिया था और विकेट लेस रहे थे और 1 विकेट लिया था दोस्तों। ये हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस ज़रूर बन सकते हो, तो इनको मोस्टली पिक ज़रूर कर लीजिएगा, तो हमारे लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं सेमेंस ऊपर की बात की जाए तो। और पर बात की जाए डेलन ब्राउन की, तो डेलन ब्राउन की बात की जाए दोस्तों, तो डेलन ब्राउन ने यहाँ पर 5, 31, 6, 27 और लास्ट मैच में खेले ही नहीं थे, तो इनको और बात की जाए यहाँ पर, तो इन्होंने 1 विकेट लिया है और 1 विकेट लिया है दोस्तों। इनका कुछ फिक्स नहीं, इनको नीचे ऊपर कर दिया जा रहा है, तो आप लोग आपके लिए रिक्स बन सकते हो, तो इनको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इनके जगह पर आपको मैं दूसरा प्लेयर्स भी बता दूंगा, टेलीग्राम पर अपडेट ज़रूर कर दूंगा, ये खेलते या नहीं खेलते वो भी बता दूंगा। अगर लिडन जेम्स की बात की जाए, लिडन जेम्स की बात की जाए तो इन्होंने 1, 14, 23, 5 तो ये मोस्टली पिक आपके लिए नहीं आ सकते दोस्तों, कुछ खास ज़्यादा एक ही मैच में खास परफॉर्मेंस दिखा पाए 20+ करके, तो इनको आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। T10 के हिसाब से 20 के आगे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए तो आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बात की जाए लायन विलियम्स की, तो इन्होंने 1, 2, 1, 1 तो दोस्तों अब तक ये 5 विकेट चटका चुके हैं, तो दोस्तों मोस्टली पिक आपके लिए बन सकते हो, तो इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। रायन विलियम्स की, तो आप यहाँ पर डिलन ब्राउन की जगह पर इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, चाहो तो आपको जगह बच्चे ऑलराउंडर एक कम ले लीजिएगा, लेकिन बॉलर को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर बात की जाए केडी हॉर्ने के, तो कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं केडी हॉर्ने की बात की जाए तो, बैटिंग 1 मैच खेले लेकिन इनको बैटिंग बॉलिंग दोनों भी कुछ मिला ही नहीं है, तो कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए। यहाँ पर बात की जाए डेली होने के, तो कुछ खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं, एक ही मैच खेलने को मौका मिला है लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस किया ही नहीं। यहाँ पर बात की जाए ज़्यादा मैथ्यूज की तो इन्होंने देखिए दोस्तों कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। बस सारे विलियम्स की बात की जाए, एस विलियम्स की बात करें दोस्तों, तो एस विलियम्स ने यहाँ पर 2 विकेट्स आपको फर्स्ट मैच में लेके दिए, सेकंड मैच में विकेट लेस रहे थे और इनका देखिए दोस्तों 1, 1, 2 तो दोस्तों इन्होंने अब तक हमारे ये अब तक 6 विकेट चटका चुके हैं 5 मैचों के अंदर, देखा जाए तो इन्होंने 5 मैच के अंदर 6 विकेट चटका चुके, तो दोस्तों मोस्टली पिक आपके लिए बॉलिंग सिक्सर बनने वाले एस विलियम्स की बात की जाए तो इनको ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। वही बात करते लुके विलियम्स, एल विलियम्स की बात की जाए तो इन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा खास परफॉर्मेंस किया दोस्तों, तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। 2, 1, 3, 2 और 1 देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट चटका चुके हैं, तो मोस्टली पिक आपके लिए बन सकते हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, और आपके लिए लेग स्पिनर्स भी काफ़ी हेल्पफुल बन सकते हैं दोस्तों, तो आपके लिए मोस्ट पिक बन सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके चलिएगा।
विलियम्स की बात की जाए तो, यहाँ पर डिविन मैथ्यूज की बात की जाए तो इन्होंने एक भी गेम प्ले अभी तक दिया नहीं है, हमारे पास इनका टाइटस भी नहीं। तो दोस्तों वो ये खेलते हैं तो हम आपको कहाँ से भी ढूंढ कर इनका टाइटस आपको अपडेट कर देंगे दोस्तों टेलीग्राम पर। मैक्सवेल हीरोड की बात की जाए तो एक मैच खेले, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। चलिए दोस्तों हमारे डेमो टीम की ओर हमें आपको ड्रीम इलेवन पर लेके जाते हैं। उससे पहले जाने से पहले आपको बता दें कि दोस्तों हमारे जो हमारे डेमो टीम रहेगी दोस्तों फाइनल टीम में वो आपको टॉस के बाद अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आपको जो है वो फाइनल टीम अपडेट की जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि आगे वाला वीडियो आने वाला आपको जल्दी से अपडेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी और 4 मैच मोस्टली विन यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। तो चलते हैं डेमो टीम की ओर, तो बात करते हैं यस ब्राउन की बात की जाए दोस्तों। तो यस ब्राउन हमने यहाँ पर मोस्ट पिक किया है, यस ब्राउन की बात की जाए तो एल जेम्स तो आपको मोस्टली पिक, आप पिक करना चाहते हो तो पिक कर सकते हो। एल लंचमेंट्स कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं, आप पिक करना चाहते हो तो पिक कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर एस ब्राउन के साथ जाना चाहूँगा विकेट्स के पर्चिंग से। चलिए दोस्तों बैटिंग सेक्शन की और बात की जाए, बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर डी डुगलेस और एस मिल्स आप लेना चाहते हो ले सकते हो, और मैंने यहाँ पर डी मिलोरी और पी स्प्राइज के साथ गया हूँ। तो आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों एस मिल्स और यहाँ पर ए ब्राउन और सी कैन की, तो आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तीन सेपली ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन से बात की जाए तो दोस्तों तो ऑलराउंडर सेक्शन से आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर डी गेवेल्स और बी सप्टेन। तो बात की जाए यहाँ पर डी ब्राउन और एस ओपेस, तो मोस्टली पिक हमें लगे दोस्तों दोनों और ये हमारे लिए मोस्टली पिक, इनके सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छे। तो सेफली जाना चाहते हो तो इनके साथ जाइएगा दोस्तों, और ग्रैंडलिंग में आप चाहो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो वो मैथ, इसको ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लीजिएगा। और आपके लिए ऑप्शन दूसरे है जे मैथ्यूज, तो इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस इस सीज़न दिखाया नहीं दोस्तों, आपको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पर, ये सप्टे खेलते तो आपको अपडेट हम टेलीग्राम पर कर देंगे। चलिए दोस्तों उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो बॉलिंग सेक्शन से हमने यहाँ पर ओ लुइस, बॉलिंग सेक्शन से हमने यहाँ पर ओ लुइस और आर विलियम्स, और आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एल विलियम्स को हमने ट्राई किया है, आप चाहो तो एस विलियम्स के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए एल विलियम्स के साथ जाना चाहूँगा। आर बोर्डे की बात की जाए तो ए बीडी भी आपके लिए एक ऑप्शन है, एम यू वर्ल्ड भी आपके लिए एक ऑप्शन है, ट्राई करना चाहते हो तो एम यू वर्ल्ड को भी आपके लिए एक ऑप्शन बन सकते हैं, और यहाँ पर के सॉन्ग तो ये भी आपके लिए मोस्टली पिक जरूर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एल विलियम्स है इनको ट्राई ज़रूर कर लूँगा, तो आपको ट्राई करना है तो इनको भी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये मैं सिंपली यहाँ पर एल विलियम्स के साथ जाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों वाइस कैप्टन कैप्टन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर डुगेल्स को कैप्टन होना चाहिए, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि डुगेल्स को आपको ट्राई करना चाहिए तो कर लीजिएगा डुगेल्स को, और यहाँ पर ओपेस को वाइस कैप्टन कर दीजिएगा और डुगेल्स को कैप्टन कर दीजिएगा। तो हमारे लिए दूसरे ऑप्शन यहाँ पर डी सप्टेबल है और यहाँ पर डी ग्लेड्स है, तो मोस्टली पिक आप इनको दोनों को भी ज़रूर कर लीजिएगा ट्राई करना चाहते हो तो। चलिए दोस्तों वीडियो में थैंक यू फॉर माय वीडियो वाचिंग, चलो